साउथ अफ्रीका से रोमांचक मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तान भी इंग्लैंड की लीग में शामिल हो चुका है, क्योंकि अगर अब यहां से सारे मैचेस भी जीत लिए जाए तब भी क्वालिफिकेशन लगभग असंभव है। जैसी स्थिति इंग्लैंड की है कि वो अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत करके 10 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान भी अब इस हार के बाद उसी सिचुएशन में है, सारे मैच जीत कर भी 10 पॉइंट तक ही पहुंचा जा सकता है। और जिस तरह से वर्ल्ड कप अभी जा रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पॉइंट पर होने वाला है, तो इसलिए पाकिस्तान की टीम भी एक तरह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया, जो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पिरिट हमेशा हाई रहनी चाहिए आप किसी भी हालत में हो, और आज पाकिस्तान ने उसी स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेली। डू और डाई गेम था उनके लिए, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, कुछ इंटेंट देखने को मिली टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर आप बल्लेबाजी से बात करेंगे जो शुरू में थी, बाबर आजम तो अपने अंदाज में ही खेले, लेकिन नीचे डाउन द ऑर्डर जो टेलेंडर्स ने रन बनाए, स्पेशली शादाब ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, फिर नवाज के कुछ रन बने और एंड में 270 का टोटल बन गया था। लेकिन वो टोटल शायद अगर पाकिस्तान पूरे ओवर खेलती तो इसमें 10-15 रन और ऐड किए जा सकते थे, जो डिसाइडिंग हो सकते थे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वर्ल्ड कप में यही रही है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे मैचेस में, जो भी वो बड़े मैचेस हारे हैं, उनमें पूरे ओवर ही नहीं खेले। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये नहीं रही कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी बड़ी स्लो चली है, पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर भी इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेल पाई, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आज का गेम हो या इसके अलावा जो गेम हो, वहां पर पाकिस्तान की टीम की हालत कुछ ऐसी रही। तो वही हुआ, और शायद एंड में मैच देखने के बाद आपको लगेगा भी यही कि अगर पाकिस्तान आज भी पूरे ओवर खेलती तो स्कोर बोर्ड में 20 रन और होते तो ये मैच बिल्कुल पाकिस्तान का था। लेकिन 270 के बावजूद पाकिस्तान ने मैच जिस तरह से लड़ाया, और आप क्रिकेट में बात करते हैं ना, चोकर, किसी को भी चोकर कह दिया जाता है आज के दौर में, कोई हार जाए अगर तो उसको चोकर कह दिया जाता है। लेकिन चोकर होता क्या है ना, आपको देखना हो ना तो आप साउथ अफ्रीकन टीम को देखिए, जो जीता हुआ मैच आप मैच में मतलब पूरा कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले रखा है और सब कुछ आप चला रहे हैं, उसके बाद मैच आप यहां ले आए ना जहां ऑलमोस्ट मैच खत्म हो गया था, जो हारिस रऊफ की बॉल पैड पर लगी और एम्पायर ने आउट नहीं दिया, वो 50-50 डिसीजन था। जरूर ठीक है, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था और लग भी रहा था बिकॉज एंगल से बॉल की गई थी तो मिस जाएगी, लेकिन स्टिल इट वॉज अ 50-50 कॉल, जो आपने हॉकाई में भी देखा। अगर वो डिसीजन पाकिस्तान के फेवर में जाता तो साउथ अफ्रीका तो फिर उसी हालत में थी कि लास्ट में 4 रन बचे हैं, 7 रन बचे हैं, और वहां से साउथ अफ्रीका की टीम मैच हार सकती थी। उसके अलावा मैच में आप क्लोज चीजें देखेंगे, एडन माकरम जो पारी तो चला रहे थे, जनरली हमने क्या देखा था अब तक साउथ अफ्रीका जो चोक करती थी कि वो रन बनाने का सिलसिला ही रुक जाता था, लेकिन एडन माकरम आज गेम चलाते रहे, उनको लाइफलाइन भी बहुत मिली, लाइफलाइन उनको मिली कि जो थ्रोस थे डायरेक्ट हिट थे, पाकिस्तान के फेवर में एक भी नहीं गया। 3 बार तो एडन माकरम अगर थ्रो लगता तो वो रन आउट होने वाले थे। थोड़ा सा पाकिस्तान आज के दिन अनलकी भी रही, लेकिन जो स्पिरिट बेसिकली होनी चाहिए थी खेलने की, चाहे हारिस रऊफ ने लास्ट में वो कैच पकड़ा हो, साइन ने आके वापस से दम से गेंद डाला, मतलब ये आप देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में जब टीमें खेलती हैं तो आप इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, तभी आपको देखने का मजा भी आता है कि वैसे बात हो रही है वर्ल्ड कप इतना बोरिंग सा जा रहा है, इतने एक्साइटिंग मैच नहीं हो रहे, तो जब टीमें स्पिरिट से खेलेंगी तो आपको फिर एक्साइटिंग मैच जरूर देखने को मिलेंगे, जैसा आज के दिन भी आपको देखने को मिला है। पाकिस्तान वॉज वेरी क्लोज टू विन दैट गेम, बट आखिरी गेंद पर भी बात होगी, बाबर आजम बहुत नाराज थे उस बात से, और नाराज होना भी चाहिए बिकॉज अगर आपने पूरी फील्ड जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप सेट करी है और उसके बाद गेंदबाज जो है वो लेग एंड मिडल पर गेंद फेंक दे तो फिर कप्तान का नाराज होना लाजमी है इसमें। और बाबर आजम अगर देखे इस पूरी पाकिस्तानी टीम की फेलियर के पीछे जिस शख्स को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो है बाबर आजम, क्योंकि कप्तान है, टीम जीतती है तो क्रेडिट भी कप्तान को जाता है, हारती है तो डिस्क्रेडिट भी जो है वो कप्तान को किया जाता है, उसका ब्लेम जो है वो कप्तान के ऊपर ही दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें जो पाकिस्तान की टीम में बहुत सारी चीजें हुई, फूट को लेकर के भी खबरें आई, खिलाड़ी मतलब 10 प्लेयर हैं तो 10 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपको ऑन द फील्ड भी दिखेगा कि पाकिस्तानी टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में वो यूनिटी के साथ नहीं खेली। बाकी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो थी कि फास्ट बॉलर में उतनी लॉन्जिबिलिटी नहीं थी, कि बहुत ज्यादा क्रिकेट पहले से खेल के आए हुए थे तो बैटरी उनकी पहले से ही डाउन थी। आज आप
देखें इन्होंने मोहम्मद वसीम को खिलाया जो एक फ्रेश फास्ट बॉलर था, उसने आके पहले स्पेल में अच्छा तेज गेंद डाला ना, विकेट निकाल करके दिए। बाकी आप देखें साइंस अफरीदी की बैटरी डाउन थी, नसीम पहले ही जा चुके थे, हारिस रऊफ शुरू में जब उनको गेंदबाजी कराई जा रही है तो बहुत पिटाई हो रही है, लास्ट में आके जरूर अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आज के दिन भी अच्छा किया क्योंकि आप देखेंगे तीनों फास्ट बॉलर ने जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैच कहीं ना कहीं उन फास्ट बॉलर ने ही बनाया। उस्मान मीर जो है वो हुई आके अमंग्स द विकेट रहे, लेकिन इन एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं प्ले में आया। जब उस्मान मीर वो 40 ओवर के आसपास गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पर अगर कोई स्मार्ट स्पिनर होता ना, और खास करके जब टेल एंडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस वक्त पर ललचाता जरूर कि आओ जरा मारो, और वो विकेट निकालने का चांस बन सकता था। वो थोड़ा खिंची हुई लेंथ पर फेंकते रहे, वहां से बैकफुट से बैट्समैन खेले छोड़े फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो उस पैसेज ऑफ प्ले में थोड़ा इनएक्सपीरियंस कहीं ना मैं कहूंगा उस्मान मीर का जो आपको देखने को मिला, बिकॉज वहां पर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में था कि एक आधा बाउंड्री की सूरत में वो विकेट बाई किया जा सकता था। उसके बाद तो रन बहुत कम बचे थे जब आखिरी ओवर आया और फिर फास्ट बॉलर के ओवर भी खत्म हो गए थे, तो ये चीज भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा लेट डाउन की कि फास्ट बॉलर तो थे लेकिन वो पहले ही खत्म हो गए थे। और ये बाबर आजम ने बहुत बार देखा गया है कि कैलकुलेटिव मिस्टेक्स करते हैं कि फास्ट बॉलर के ओवर पहले खत्म हो जाते हैं और फिर एंड में स्पिनर ही बचते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन रही है अब तक, इसमें बाबर आजम जिम्मेदार जरूर है एज अ कैप्टन, बिकॉज टीम एक साथ नहीं खेली और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कप्तान की होती है कि टीम एक साथ खेले, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए ये डिजास्ट्रस ही है पूरा वर्ल्ड कप जिस तरह से गया है। लेकिन खैर जाते जाते उन्होंने कुछ अच्छी क्रिकेट खेली, हो सकता है कि आपको अगले एक दो मैचेस बचे हुए हैं अपने प्राइड के लिए खेलें, एक आध टीम को हरा सकते हैं। अभी भी जो दो बड़े मैचेस हैं उनके इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो मैच अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो शायद इंग्लैंड तो वैसे ही ऑलमोस्ट बाहर है, जैसी स्थिति में पाकिस्तान है तो वैसी स्थिति में इंग्लैंड भी है, तो उस मैच का वर्ल्ड कप के नतीजे पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली इंग्लैंड का कैंपेन शट हो जाएगा, अभी अनऑफिशियली है लेकिन ऑफिशियली फिर इंग्लैंड का कैंपेन शट हो जाएगा, न्यूजीलैंड को झटका लग सकता है। और एक और चीज आज के मैच से जो निकल करके आई है वो है साउथ अफ्रीका, पहले बैटिंग की ये टोटली डिफरेंट टीम लगी है, दो बार चेज किया है नीदरलैंड के खिलाफ, इन्होंने चोक किया, आज की चेज में लाइन क्रॉस कर गए, डेफिनेटली लाइन क्रॉस कर गए, लेकिन जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं ये आपको देखना और सीखना हो तो आप साउथ अफ्रीका से सीख सकते हैं। और ये मैच उनके लिए उतना बड़ा प्रेशर मैच नहीं था, यही मैच अगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो या बड़ा मैच हो तो साउथ अफ्रीका क्या करेगी इसका अंदाजा आपको लग सकता है। और टीमें जब इनके खिलाफ खेलेंगी तो ये बात अब ध्यान में जरूर रखी जाएगी कि अगर आप करा सकते हैं तो साउथ अफ्रीका को चेज कराइए। और चेज इन्होंने इस वर्ल्ड कप में नहीं, इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है, जब जब ये चेज करते हैं, चाहे वो 2011 के वर्ल्ड कप में 221 का चेज हो, 99 में 213 का चेज हो, इनसे हुआ नहीं है। और आज भी ऐसा ही लग रहा था कि ये चेज नहीं होगा, थोड़ा सा अनलकी पाकिस्तान कहूंगा मैं आज के दिन रही, अदरवाइज ये चेज होना नहीं था। अच्छा मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने शो अच्छा पुट ऑन किया व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में कुछ इंटरेस्ट तो जो है वापस आया है, अदरवाइज जितने मैचेज जिस तरह से जा रहे थे वहां पर आप व्यूअरशिप जो थे 40 लाख 50 लाख वहां पर आ रही थी। नॉन इंडियन मैच, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट गेम और सेकेंड गेम जहां पर व्यूअरशिप जो है वो 2 करोड़ के ऊपर गई है हॉटस्टार पे, अगर आप देखेंगे शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था जहां पर व्यूअरशिप ऊपर गई थी, और ये कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच है जहां पर व्यूअरशिप ऊपर गई है, तो वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बाकी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिबेट और डिस्कशन चलती रहेगी कि पाकिस्तान एकदम से बर्बाद कैसे हो गई, जो एशिया कप से पहले नंबर वन टीम थी रैंकिंग में, कुछ प्लेयर भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था इतनी बुरी टीम थी। हम शायद देखो क्या है ना कि जिस तरह से उनके फैंस बातें कर रहे थे, जो जो वहां से रिएक्शन आ रहे थे उनके, कुछ प्लेयर्स ने जिस तरह से बातें की उनसे, थोड़ा सा एक होता है इंडियन फैंस को भी होता है कि हम भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम हारे, लेकिन जितना था जितना वो डिजर्व करते थे हारना उतना वो हार चुके थे अपने हिस्से का। आज जीतना चाहिए था पाकिस्तान की टीम को, जिस तरह की क्रिकेट भी उन्होंने खेली थी और ओवरऑल कॉन्टेस्ट भी जिस तरह का था। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो, आप सबको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।